नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हैथवे केबल के बारे में। कल के वीडियो में बताया था कि एक ब्रेकआउट चाहिए और देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ना, आज के दिन ना एक ब्रेकआउट मिल गया 22.65 का था, और हमारा एक जो टारगेट था 22.30 का था, जो यहाँ पे एक यहाँ पे बराबर ना, और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये जो है ना, एक तरह से पहला टारगेट था और पहला रेजिस्टेंस भी था, तो ये फाइनली आज ब्रेकआउट ले लिया है। अभी इसमें देखना क्या है हमको, तो एक तरह से ना डिलीवरी बेसिस देखना है। कल का डिलीवरी बेसिस अच्छा था और आज ना थोड़ा सा एक डाउन साइड रहा, जैसे कि 37% का डिलीवरी बेसिस है, तो कुछ इतना खास नहीं है, मगर फिर भी चल जाएगा। तो अभी मूवमेंट जो है ना थोड़ा सा फंसा कर रख रहा है, तो इसलिए हमको ना सपोर्ट एरिया अपना देख लेना चाहिए। सपोर्ट एरिया इस कैंडल के लो तक का है, जो कि रेड कैंडल का, वो 21.45 पे मार्केट क्लोज हुआ, 22.65 पे। तो मोटा मोटा जो है ना 1 पॉइंट का एक सपोर्ट एरिया है, इसको थोड़ा सा ना डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड आता है तो थोड़ा यहाँ तक आ सकता है, मगर डाउन साइड नहीं आता तो एक मूवमेंट ना अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकती है। जैसे कि पहला टारगेट रहेगा ना, वो 26 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। और फाइनली बात करूँ ना, तो यहाँ से देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो ये ऑल टाइम हाई से ना अभी फिलहाल ना 18% का एक थोड़ा सा डाउन साइड है। और नीचे से बात किया जाए तो नीचे से जो है ना, जब रिवर्सल अपसाइड लिया है मार्केट, तो यहाँ से देखिए तो एक तरह से तो 15% का तो रिटर्न दे चुका है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 1 तारीख से ना अभी 23 तारीख तक, तो इसमें जो है ना 15% का रिटर्न हो चुका है। तो थोड़ा सा हल्का सा ना दबाव जरूर देखने को मिलेगा, मगर ट्रेंड अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो है ना अभी अपने आप को ना प्रॉफिटेबल कर चुकी है। इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था ना, इसमें 35 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, मतलब लॉस में से उठ कर ना प्रॉफिट में एक तरह से क्लोजिंग दिया है रिपोर्ट में। तो एक अच्छा मूवमेंट है और इसका फायदा देखने को मिल सकती है। सपोर्ट एरिया 21। बाय सेल को रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।